आज की वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से, जब से बीएड को पीआरटी से रोका गया है तब से कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में चला जा रहा है। तो फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश का आ गया है नंबर और डीएलएड या बीटीसी जो भी कह लीजिए ने अभ्यर्थी, ऐसे लोग कोर्ट पहुंच गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, और उन्होंने मांग की है कि बीएड को सीटेट पीआरटी से बाहर किया जाए, यानी कि उनका रिजल्ट घोषित न किया जाए। ऐसा अभ्यर्थी क्यों कहें उसके पहले चलिए आपको न्यूज़ दिखा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सीटेट से बीएड धारकों को बेदखल करने की मांग हाई कोर्ट में याचिका दाखिल, और 6 सितंबर 2023 को इस मामले पर सुनवाई होनी है कि 20 अगस्त 2023 को सीटेट का परीक्षा हुआ था और उसमें बीएड को पीआरटी में इंक्लूड किया गया था और उन लोगों का एग्जाम ले लिया गया है, अब रिजल्ट आने की बारी है। फिलहाल अभ्यर्थी क्यों चाहते हैं कि सीटेट से अभ्यर्थी बाहर जाएं बीएड वाले पीआरटी से, तो उनका ये कहना है कि ज़्यादा ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी बीएड वाले तो ऐसे ही हैं 2.5 से 3 करोड़ के आसपास, तो ऐसे में जो नए अभ्यर्थी जो बीएड अभी कर रहे हैं यानी कि बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या वे लोग फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे जैसे भी फॉर्मेट से कराती है, ऐसे अभ्यर्थी ये जो 20 अगस्त 2023 को सीटेट की परीक्षा हुई थी पीआरटी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अगर ये भी आ जाते हैं तो संख्या फिर और बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वैकेंसी में ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे जिससे हम लोगों को इशू हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में डीएलएड अभ्यर्थी जो हैं प्रयागराज हाईकोर्ट गए हैं, बाकी अन्य अन्य राज्यों में तो गए ही गए हैं, उत्तर प्रदेश बस बचा था, उत्तर प्रदेश में अपना नाम जो है लिखा लिया है। जो राजस्थान हाईकोर्ट का भी मामला आया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बात रखी गई थी कि बीएड को पीआरटी से रोक दिया जाए, तो ऐसे मामले में राजस्थान का जो मैटर है उसी को लेकर के अभ्यर्थी जो है प्रयागराज हाईकोर्ट पहुँच गए हैं। तो फिलहाल 6 सितंबर में क्या होता है, क्या कोर्ट बात को सुन करके तुरंत ही सीटेट को ये निर्देश दे सकती है कि आप रिजल्ट को रोक दीजिए, बीएड अभ्यर्थियों को इसमें मौका मत दीजिए, तो ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। 6 सितंबर को ही हम आपको चैनल के माध्यम से बताएंगे जैसे ही मामले की सुनवाई होगी। तो फिलहाल सीटेट पीआरटी से बीएड बाहर करने को अभ्यर्थी जो है कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो आपकी क्या राय है इसको बात को लेकर के, और आगे बीएड अभ्यर्थी क्या क्या प्लान बना रहे हैं कमेंट के माध्यम से अगर आप लोग जान रहे हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी बस इतना ही, धन्यवाद।